सारे, मैं सोच रही थी कि आज हम शॉपिंग पे जा सकते हैं। वो एक्चुअली एंगेजमेंट में बहुत कम टाइम रह गया, तो मैं आपकी पसंद का ड्रेस पहनना चाहती हूँ इसलिए। Yeah, about that. Sarish, if you please don't mind, is it possible कि मुझे शॉपिंग वगैरह में ड्रैग ना करो तो? Please don't take it personal. मुझे अपने लिए भी शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है. I just don't like it. ओके वो मैं आज कार भी नहीं लाई, मुझे लगा आप शॉपिंग के बाद ड्रॉप कर देंगे। अब ड्रॉप करना प्रॉब्लम नहीं है. शॉपिंग के बगैर आई कैन ड्रॉप यू होम. थैंक्स। डिनर पे जा सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स जा सकते हैं. देन आई ड्रॉप यू. परफेक्ट, सी यू आफ्टर ऑफिस। श्योर. घर आ गया. गुड बाय. गुड बाय, मतलब आप अंदर नहीं आएंगे? मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगा. वैसे भी बहुत देर हो रही है. कम ऑन सारे, अभी 9 भी नहीं बजे, और अगर आप दरवाजे से वापस जाएंगे ना तो मम्मी बहुत बुरा मनाएंगी। आई वॉन्ट टेक नो फॉर एन आंसर, प्लीज प्लीज। ऑलराइट, इफ यू इंसिस्ट. चलें. चल मम्मी पापा आप बैठे ना सारे, प्लीज। श्योर. अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. भाभी आपको पता है कि मम्मी पापा कहाँ रह गए? वो पापा के किसी जानने वाले का इंतकाल हो गया तो वहाँ गए। अच्छा आप 2 मिनट बस सारिम को कंपनी दें, मैं अभी आई। आई होप यू डोंट माइंड। ओके. प्लीज बैठिए। थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आप आए। आई एम सो सॉरी अगर मामा पापा को पता होता आप आने वाले हैं तो थोड़ी देर रुक जाते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. एक्चुअली प्लान नहीं था, बस सरिश बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी तो इसलिए आ गया. आई डोंट थिंक यू रिमेम्बर, लेकिन हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं. क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। एक्चुअली तो 2.5 साल पहले की बात है, हम एक मॉल में मिले थे. मेरा मोबाइल फोन गिर गया था और फिर आप ही ने मुझे वापस किया था. यू वॉन्ट रिमेम्बर? याद है मुझे, और उसके लिए आपसे माजरत भी करना चाहती हूँ। पता नहीं इरिटेट होकर उससे मैं आपको क्या क्या कह दिया था मैंने, और शायद उसके बाद भी कहीं मिले थे, याद नहीं है मुझे। होटल की लॉबी में? हाँ, ताबिश के साथ थी, उसके मेरी शादी की दावत थी।